2016 का जो आंदोलन था, आप सब मीडिया के लोग धरने पर जाते थे, कहीं यशपाल मलिक मिला? मैं उस आंदोलन का हकदार नहीं हूं जिसमें तोड़फोड़ हो, मारकाट हो। मैं 2016 के आंदोलन शुरू किसने किया? अगर यशपाल मलिक ने शुरू किया होता, यशपाल मलिक फैसले में होता, यशपाल मलिक के साथ सरकार की वार्ता होती, 16 तारीख में सरकार से वार्ता होती है, आंदोलन 14 में शुरू हुआ, 17 तारीख में वार्ता होती है, 20-21 तारीख में हरियाणा के लोग फैसला करके आते हैं दिल्ली गृह मंत्री के साथ, उसमें यशपाल मलिक कहाँ था? जब मैं कभी भी 2014 तक आरक्षण मिला, यशपाल मलिक पूरे देश में 2014 में रेल उपरी थी मेरे नेतृत्व में, कहीं हिंसा हुई, किसी जाति ने विरोध किया उसका? यशपाल मलिक जब तक आंदोलन में था, किसी जाति ने विरोध किया हो? हरियाणा में जैसे ही सरकार बदली, जाट तो इसलिए भी बहुत ज्यादा नाराज था कि भाई सरकार में हमारी भागीदारी नहीं होगी, जाट इसलिए भी बहुत ज्यादा नाराज होगा कि हमारी मांगों की हाँ बर रखी वो नहीं मिली होगी, हमारा रिजर्वेशन कैंसिल हो गया। लेकिन उन लोगों को चिन्हित करें, हरियाणा के लोग, मेरा निवेदन है, जो लोग जाके मिलते तो प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री होते थे, उनके लड्डू खाते थे, आंदोलन वही चलवाते थे। यशपाल मलिक का एक भी बयान किसी जाति के खिलाफ मिल जाए, किसी के खिलाफ मिल जाए, तो मैं जुम्मेदार। राजकुमार सैनी उनका पपट था, आज उन्हीं के गले की हड्डी है। राजकुमार सैनी को पाला उन्होंने, पोसा उन्होंने, आज उन्हीं के गले की हड्डी है। एक मलिक साहब जैसे चुनाव आते हैं, जैसे हरियाणा विधानसभा के, उससे थोड़ा सा पहले ही आपके आंदोलन बहुत तेजी से सक्रिय हो जाते हैं। 2000 कब कब चुनाव हुए? 2013 में चुनाव हुए, 2009 में हमने आंदोलन शुरू किया, 2010 में हम पानी रोक रहे थे, 2010 में पानी रोकने के बाद 11 में हम रेल रोक रहे थे, चुनाव 14 में थे। आप उसको ना जुड़े, आंदोलन एक प्रक्रिया है। आज अगर मैं यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जा रहा हूँ तो आज ही आंदोलन शुरू नहीं कर सकते, उसकी योजना बनेगी। रही बात, मैं पूरे देश के नेताओं से ये अपील करता हूँ, खासकर जो आंदोलन करते हैं किसान नेता, जब तुम आंदोलन के लिए एकजुट हो तो वोट के लिए क्यों नहीं एकजुट होते? मैं पूरे देश में गया, मैंने भाजपा का विरोध यूपी में भी किया, ऐसा नहीं कि मैं नहीं गया, 2017 के चुनाव में गया, मैंने विरोध किया, आपके पास सबके कटिंग है, खुल के विरोध किया 2017 में यूपी में चुनाव थे। लेकिन मेरा एक है ना, हम आवाज उठाने मात्र के लोग हैं, हम वो ताकतवर लोग नहीं है कि हम किसी का नुकसान नफा फायदा कर दें, हम जनता को अपना संदेश देते हैं कि चुनाव के टाइम पे तैयार हो जाओ। अगर आप चुनाव के टाइम पे तैयार नहीं हो, किसान मांग रहे और जाकर लड़ने लगे चुनाव, क्या सरकार बना ली? मैं पिछले 16 साल में किसी भी राजनीतिक गतिविधियों में नहीं हूं, मुझे बहुत ऑफर 2007 से लेकर 12 के बीच में आए होंगे, लेकिन जब मेरा उद्देश्य ही दूसरा है, पढ़ाई का है, लिखाई का है, तो मैं क्यों राजनीति में घुसूं?